हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के 47 चीफ जस्टिस जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के कुछ ऐसे जजमेंट्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पर इसके साथ ही हम कुछ ऐसे जजमेंट्स भी डिस्कस करेंगे जिन्हें सोशल मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जस्टिस एच जे कानिया करंट, और 48 चीफ जस्टिस है जस्टिस एन वी रमना, और 47 चीफ जस्टिस थे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जिन्होंने एज अ चीफ जस्टिस अपना 18 मंथ्स का टेन्योर सर्व किया और एज अ सुप्रीम कोर्ट जज टोटल 6 इयर्स सर्व किया। तो जस्टिस बोबड़े का बर्थ प्लेस है नागपुर और उनकी फैमिली में लॉ के और कई धुरंधर शामिल हैं, जैसे उनके फादर अरविंद बोबड़े महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे और भाई विनोद बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। जस्टिस बोबड़े ने महाराष्ट्र में एज एन एडवोकेट 22 इयर्स के लिए सर्व किया है और 2013 में सुप्रीम कोर्ट आने से पहले जस्टिस बोबड़े बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व कर चुके हैं। चलिए अब जस्टिस बोबड़े के कुछ लैंडमार्क और कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट्स की एक एक करके बात करते हैं। आपको पता है चीफ जस्टिस बोबड़े ने एज अ सुप्रीम कोर्ट जज टोटल 8 साल का टेन्योर सर्व किया, पर उस पूरे टेन्योर में वो एक बार भी एक माइनॉरिटी जजमेंट का पार्ट नहीं थे। अपने पूरे करियर का उनका सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे हाई प्रोफाइल केस माना जाता है अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट। तो 2.77 एकड़ लैंड, ये टर्म सुनते ही अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट दिमाग में आता है। इस जगह पर 16th सेंचुरी का बाबरी मस्जिद भी लोकेटेड था और इस एरिया को भगवान राम का जन्मस्थल भी माना जाता है। तभी तो ये एरिया इतना डिस्प्यूटेड कि इसके लिए 1950 से कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग पड़े थे कि इस लैंड का पोजीशन आखिर किसके पास होना चाहिए। 1992 में विश्व हिंदू परिषद और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। 2010 में इस केस को सुनते वक्त अलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि जो 2.77 एकड़ का लैंड है, इसे तीनों पार्टीज के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, एक तिहाई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा को और एक तिहाई हिंदू महासभा को दे देना चाहिए। तीनों ही पार्टीज इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे और इसके अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की। इस केस में 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नाजीर। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज़ को आपस में मीडिएशन करने के लिए 8 हफ्तों का टाइम दिया, पर जब कोई प्रोग्रेस होती ना दिखाई पड़ी तो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स शुरू किए गए और 9 नवंबर 2019 को कोर्ट ने यूनानिमसली अपना हिस्टोरिक जजमेंट प्रोनाउंस किया। ये जजमेंट 1045 पेजेस लॉन्ग है। जजमेंट में ये कहा गया कि 2.77 एकड़ का ये पूरा लैंड एरिया राम मंदिर बनाने के लिए एलोकेट किया जाएगा और अयोध्या में 5 एकड़ का अल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मॉस्क बनाने के लिए दिया जाएगा। कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ट्रस्ट बनाने के लिए कहा जो यहाँ राम मंदिर बिल्ड करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन लॉज का वॉयलेशन था। आपको पता है जैसे ही जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस बने, उसके 4 महीने बाद नेशन वाइड लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया और कोर्ट्स की फिजिकल हियरिंग्स पर रोक लगा दी गई। पर जस्टिस बोबड़े ने हमेशा ही कोर्ट्स के काम में टेक्नोलॉजिकल यूज को प्रमोट किया है, एंकरेज किया है, इसीलिए उन्होंने ई कोर्ट कमिटी जिसे जस्टिस चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे, उन्हें अपना प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए कहा ताकि कोर्ट्स की वर्चुअल हियरिंग जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी स्टार्ट हो सके। तो जस्टिस बोबड़े ने 3 टेक्नोलॉजिकल पोर्टल्स को भी लॉन्च किया है। पहला है सुपेस, ये है सुप्रीम कोर्ट का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, इसे जस्टिस बोबड़े ने ही लॉन्च किया है। दूसरा है SCI इंटरैक्ट, इसे कोर्ट्स को पेपरलेस बनाने के लिए लाया गया है। ये सॉफ्टवेयर जजेस को फाइल्स, अनेक्स्टर्स और पिटिशंस के सॉफ्ट कॉपी नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। और तीसरा है सुवास, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो जस्टिस बोबड़े ने लाया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को 9 वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए। इसके बाद आता है राइट टू प्राइवेसी और आधार जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री का सेकंड सबसे लंबे चलने वाला केस है। जो पहला सबसे लंबा केस है वो है केशवानंद भारती केस, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आधार एक्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज का
ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट डिलीवरी करना। पर जब पहली बार आधार एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट पिटिशंस और केसेस फाइल किए थे, ये कहते हुए कि अगर आधार एक्ट आ जाता है तो ये इंडियन सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट आधार को सर्वेलेंस करने के लिए यूज कर सकती है, इसीलिए आधार एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। जो आधार एक्ट और राइट टू प्राइवेसी की पूरी जर्नी है उसको हम 3 माइलस्टोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2015 का जजमेंट, 2017 का जजमेंट और 2018 का जजमेंट। चलिए देखते हैं। तो आधार की पहली पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी 2012 में, जिसका जजमेंट आया 2015 में। इसी केस में देन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इंडियन सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी नहीं है। इस जजमेंट में कोर्ट ने यह कहा कि आधार को आप वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए यूज कर सकते हो, पर जब तक कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक हायर बेंच इस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं कर लेती कि क्या सिटीजन्स के पास राइट टू प्राइवेसी है या नहीं, या आधार कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तब तक आधार वॉलंटरी रहेगा, कंपलसरी नहीं। पर 2016 में गवर्नमेंट आधार को मैंडेटरी कर देती है, कंपलसरी बना देती है। इसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता ही है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर डिसाइड करने के लिए 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें जस्टिस बोबड़े भी थे। 9 जजेस ने यूनानिमसली ये हेल्ड किया कि इंडियंस के पास फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट को आर्टिकल 21 के अंदर गारंटी करता है। राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और रही बात आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, तो 2018 के जजमेंट ने आधार एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसिज्म को लेकर काफी लिबरल रहता है, पर इस केस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक स्क्रूटिनी और स्कैंडलाइजेशन से बचाने की जरूरत है ताकि वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। इंडिया का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ है उसमें सिविल कंटेम्प्ट भी आता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉयर या एडवोकेट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाया जाता है तो उस पर आगे प्रैक्टिस करने पर बैन लगाया जा सकता है। इस केस के कारण इंडिया से क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटाने की और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने की एक नई डिबेट स्टार्ट हुई है। इस केस की भी पूरी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएगी। नेक्स्ट केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। तो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने 27 जून को एक ट्वीट किया रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और ये कहा कि कैसे पिछले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया है। इसके साथ ही पिछले 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोल्स को भी क्रिटिसाइज किया। इसके 2 दिन बाद 29 जून को उन्होंने एक और ट्वीट किया और चीफ जस्टिस बोबड़े और हार्ली डेविडसन बाइक की फोटो पर क्वेश्चन करते हुए ये ट्वीट किया कि वो बाइक बिना हेलमेट और फेस मास्क के चला रहे हैं, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के इन दोनों ट्वीट्स के लिए उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर गिल्टी माना, जिसके लिए 6 महीने तक की जेल भी हो सकती थी। इसके बाद प्रशांत भूषण ने अपने चीफ जस्टिस बोबड़े वाले ट्वीट पर माफी मांगी और ये कहा कि उन्हें पता नहीं था कि बाइक स्टेशनरी थी, सिर्फ खड़ी हुई थी, पर अपने बाकी ट्वीट्स को उन्होंने सही बताया। प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट को क्रिटिसाइज करना फ्रीडम ऑफ स्पीच में प्रोटेक्टेड है एंड इट शुड नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पूरी हियरिंग के बाद लीनियंसी दिखाते हुए कोर्ट ने भूषण पर सिर्फ 1 रुपए का फाइन इम्पोज किया और इसलिए इस केस को इतना हेविली क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कहते हुए कि क्या इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सेंसिटिवली रिएक्ट किया? क्या प्रशांत भूषण के अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल करने की जगह उनकी कंप्लेन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से करनी चाहिए थी और ये सारी चीज़ें। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस के बारे में, जो है 2020 का एक लैंडमार्क इवेंट। तो सितंबर 2020 में इन 3 फार्म लॉज को पास किया गया था जो इससे पहले एज ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करते थे। गवर्नमेंट के हिसाब से जो फार्म लॉज है ये फार्मर्स को डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्टेट मंडी के बाहर जाकर अपना प्रोड्यूस सेल करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और ये सारी चीजें। वहीं फार्मर्स इन लॉज को हेविली क्रिटिसाइज करते हैं और इनकी इंप्लीमेंटेशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए ये जो 3 फार्म लॉज है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इस केस में चैलेंज किया गया, जिसके लिए 3 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रामसुब्रमण्यम। 12 जनवरी 2021 को कोर्ट ने इन लॉज पर स्टे लगा दी, इनका इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया और रीजन ये दिया कि ऐसा करके वो फार्मर्स को बातचीत करने के लिए एंकरेज करना चाहते हैं
ताकि वो कॉन्फिडेंटली अपने इश्यूज शेयर करे और इससे कोई सोल्यूशन निकल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने गवर्नमेंट के पूरे प्रोसेस को, जिस तरीके से वो इस पूरे इशू को हैंडल कर रही है, उसे क्रिटिसाइज भी किया। इस पूरे मैटर को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने एक 4 मेंबर कमिटी सेटअप की है ताकि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच की प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन निकल सके। इस कमिटी में 3 एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनावत। पहले इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह मान भी शामिल थे, पर कमेटी बनने के थोड़े दिन बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस कमेटी का मेन काम है लॉस को अच्छे से स्टडी करना और सारे स्टेक होल्डर्स से बात करना। अपने 7-8 साल के सुप्रीम कोर्ट टेन्योर में जस्टिस बोबड़े ने सिर्फ 68 जजमेंट्स ऑथर किए हैं, जबकि बाकी जजेस ने उनसे कई ज्यादा जजमेंट्स लिखे हैं, जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने 354, जस्टिस नरीमन ने 304 और जस्टिस रमाना ने 157 जजमेंट्स लिखे हैं। चलिए अब जस्टिस बोबड़े के कुछ और इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पर नजर डालते हैं। तो जब दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एंड पुलिस के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए पिटिशंस फाइल किए गए थे, ये कहते हुए कि देश भर में सीरियस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन चल रहे हैं और पूरे इंसिडेंट पर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे। पर चीफ जस्टिस बोबड़े ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट केस की बात करें तो रिटायरमेंट से सिर्फ 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रेप केस में बेल की सुनवाई चल रही थी। जो अक्यूज था वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जिसने 2014 में एक माइनर लड़की का रेप किया था। बेल की सुनवाई करते वक्त चीफ जस्टिस बोबड़े ने अक्यूज के वकील से पूछा कि क्या वो विक्टिम से शादी करेगा, और ये क्वेश्चन जब लोगों को पता चला तब काफी हंगामा हुआ। इस केस में फाइनली अक्यूज की बेल रिजेक्ट हो गई। इतने ऑब्जेक्शंस को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सामने आती है और ये कहती है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को क्रिटिसाइज करने का ट्रेंड बन गया है और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर एक डायरेक्ट अटैक है, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसका एंटीसिपेटरी बिल डिनाई कर दिया था, जानबूझकर पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन बताकर सुप्रीम कोर्ट को गलत लाइट में लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस बोबड़े का भी कहना ये था कि उनकी ओरल रिमार्क्स की मिस रिपोर्टिंग की गई है। चलिए अब नेक्स्ट केस को देखते हैं। तो लास्ट ईयर अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को अबेटमेंट टू सुसाइड के क्रिमिनल केस में डिटेन किया गया था, जिसके लिए एक अर्जेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस हियरिंग अरेंज की गई और अर्नब गोस्वामी को बेल ग्रांट कर दी गई। ये मैटर जब सामने आया तो बहुत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कितनी अर्जेंसी दिखाई है, कितनी जल्दी अर्नब गोस्वामी को बेल ग्रांट की गई थी, इसे क्रिटिसाइज किया था। वहीं केरलाई जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन अक्टूबर 2020 से अरेस्ट में हैं। इनफैक्ट उनकी हबीस कॉर्पस पिटिशन भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। सिद्दीकी कपन के ऊपर सेडिशन और UAPA के बाकी प्रोविजंस का चार्ज लगाया गया है। उनका क्राइम ये था कि वो हथरस रेप केस की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। सिद्दीकी की बेल अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने चीफ जस्टिस बोबड़े के कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट्स को कवर किया। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि ऐसे और जुडिशरी रिलेटेड कंटेंट मैं लाती रहूं। इसके साथ ही रेगुलर इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। दैट्स इट फॉर नाउ, सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।